टाइगर श्रॉफ की एक हॉलीवुड मूवी। टाइगर श्रॉफ की एक हॉलीवुड मूवी की बात सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यदि इस मूवी को बनाए वो जिन्होंने बनाई है हॉलीवुड की एक दमदार एक्शन मूवी सीरीज मोर्टल कुंबाट। दोस्तों हाल ही में मुंबई मिरर ने एक रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक मोर्टल कुंबाट सीरीज को बनाने वाले प्रोड्यूसर लॉरेंस कसिनोफ ने मुंबई में आकर टाइगर श्रॉफ से मुलाकात की है। और लॉरेंस के साथ एक बड़े स्टूडियो के मालिक भी शामिल थे जो टाइगर श्रॉफ के साथ एक बड़ी एक्शन मूवी बनाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय ग्रोवर भी शामिल थे और बताया जा रहा है कि संजय इस योजना से पिछले एक साल से जुड़े हुए हैं और संजय ने ही टाइगर श्रॉफ का नाम सुझाया है क्योंकि संजय और टाइगर स्कूल के समय से एक अच्छे दोस्त रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस एक्शन मूवी के राइटर सान कैथरीन डेरेक है जो इससे पहले एक से बढ़कर एक फिल्मों के स्क्रिप्ट दे चुके हैं। और दोस्तों कहा गया है कि लॉरेंस टाइगर से मिलकर काफी प्रभावित भी हुए हैं क्योंकि टाइगर श्रॉफ के एक्शन और मार्शल आर्ट का कोई जवाब नहीं। साथ ही टाइगर श्रॉफ की कम उम्र होने की वजह से टाइगर पर लॉरेंस के खास नजरें हैं क्योंकि ऐसे में लॉरेंस एक मूवी की लंबी सीरीज बना सकते हैं। अब दोस्तों ये तो पक्का है कि एक एक्शन मूवी होगी लेकिन क्योंकि लॉरेंस की खासियत है मोर्टल कुंबाट तो ऐसे में यदि मोर्टल कुंबाट सीरीज एक बार फिर बनती है तो ऐसे में टाइगर बनने वाले है लू किंग क्योंकि इस रोल में टाइगर श्रॉफ एकदम परफेक्ट रहेंगे। दोस्तों मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर श्रॉफ के हाथों एक बड़ी मूवी आ रही है और ये एक बिग बजट एक्शन मूवी होगी। लेकिन यहाँ अब इंतजार रहेगा इस मूवी के अनाउंसमेंट का। दोस्तों थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी सुनने को मिल सकती है इस मूवी के फाइनल अनाउंसमेंट। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।